हैं। एक होता है मूल रूप, दूसरा होता है मात्रा रूप। मूल रूप में स्वर वर्ण को जैसे कि तैसे लिखे जाते हैं, लेकिन मात्रा रूप में स्वर वर्ण का कुछ चिन्ह लगाई जाती है। अब इसी स्वर वर्ण जब व्यंजन वर्ण से मिलता है तो अपना रूप बदल देता है। उसी बदले हुए रूप को हम लोग मात्रा कहते हैं। जैसे कि क प्लस अ इक्वल टू जब लिखा तो क्या बना? का में एक पाई लगा तो हम लोगों ने का बनाया। क्या आप लोगों ने का आ का लिखते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। हम लोग का में पाई लगाते हैं तो का बनता है। उसी तरह पा प्लस ए इक्वल टू लिखा तो पे बना। पा प्लस ऊ तो क्या बना? फू। तो हम लोग क्या लगाते हैं? का में इस तरह मात्रा लगाते हैं। अब हम लोग बुक पढ़ना सीखते हैं। चैप्टर 3 मात्रा। मात्रा को हम लोग इंग्लिश में साइन ऑफ वॉवल्स कहते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ कर लिखा जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे क प्लस आ प्लस र इक्वल टू क्या बना? कार। अब देखिए यहाँ पे का में पाई लगा ना, तो ये जो पाई है तो इसको हम लोग मात्रा कहते हैं। ये आ अपना रूप बदल के पाई में चेंज हो गया। प प्लस ए प्लस र प्लस क्या बना? पेड़। प प्लस ऊ प्लस ल इक्वल टू फूल। बच्चों ऊपर आपने देखा कि जब क में आ मिलाकर लिखा गया तो उसका रूप बदल गया है। इस प्रकार प में ए व फ में ऊ मिलाने पर उसका रूप बदल गया। यहाँ बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ये सभी स्वर में मिला होता है। अन्य स्वर व उनकी मात्रा इस प्रकार है। आ मूल रूप है, ये जो चिन्ह लगा है वो मात्रा रूप है। जब ये आ व्यंजन के साथ मिलता है तो इस रूप में मिलता है। जैसे कि माला, गाजर, गमला। अब ई ये मूल रूप है, ये जो चिन्ह लगा है ये मात्रा रूप है। जैसे कि हिरण, सीता, चिड़िया। अब ई बड़ी ये मूल रूप है और ये जो चिन्ह लगा है ये मात्रा रूप है। जब ये बड़ी व्यंजन के साथ मिलता है तो इस रूप में बदल जाता है। जैसे कि कील, तीर, हाथी। अब ऊ मूल रूप है और ये जो मात्रा है ये मात्रा रूप है। जैसे पुल, गुला, सुराही। अब बड़े ओ ये मूल रूप है और ये जो मात्रा लगा है ये मात्रा रूप है। अब जैसे फूल, सूरज, मूली। अब ये जो री है री का चिन्ह ये होता है। जैसे मृग, कृषक, ग्रह। ए केला, करेला, जलेबी। बड़े ए थेला, बैल, सैनिक। औ मोर, घोड़ा, बोतल। औ कौवा, पौधा, नौका। अंग संघ, कंगन, झंडा। अंग चांद, टंगा, बसुधी। आहा प्रता, दुख, नमा। तो इस तरह स्वर वर्ण व्यंजन के साथ मिलता है तो अपना रूप बदल देता है। इसी बदले हुए रूप को हम लोग मात्रा कहते हैं। तो आप लोगों को मात्रा क्लियर हो गया? अगर नहीं कमेंट बॉक्स में
नमस्ते, थैंक यू सो मच। अगर मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो मैं